हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो देखिए कि ये वुमेन्स बिल इन दी वर्क्स अगेन, देखते हैं क्या है इसके ऊपर। आवर्स आफ्टर द कर्टन वर ड्रॉन ऑन ओल्ड पार्लियामेंट टू मार्क द मूव टू इट्स न्यू प्रिमाइस। देखिए ये ओल्ड पार्लियामेंट रहा आपका और यहाँ पर ये आपका न्यू पार्लियामेंट है। स्पेशल सेशन प्रोसीडिंग विल मूव फ्रॉम ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग टू द राइट टू द न्यू वन ऑन द लेफ्ट ऑन ट्यूजडे। तो ये ऐसा है, आपका ये सर्कुलर है या आपका सर्कुलर नहीं है। देखिए अब इसमें क्या आया है। इट्स न्यू इज द वुमेन रिजर्वेशन बिल। देखिए द वुमेन्स रिजर्वेशन बिल स्टक फॉर 27 ईयर वॉज सेट टू हैव बीन क्लियर्ड बाय नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट, रिजर्विंग 33% सीट्स फॉर वुमेन इन पार्लियामेंट। तो मतलब पार्लियामेंट में नए वाले में 33% वुमेन रिजर्वेशन इन्हें ऐसा पास कर दिया है। वुमेन रिजर्वेशन बिल जो 27 साल से फंसा हुआ था एंड लेजिस्लेटिव असेंबली। तो मतलब ये पार्लियामेंट में भी हो गया है आपके, मतलब सेंट्रल लेवल पर भी हो गया है और स्टेट लेवल पे भी। यहाँ पे आपका ये आपके पार्लियामेंट की बात हो गई, राज्यसभा लोकसभा, और यहाँ पे आपका स्टेट में स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल, इसकी बात हो गई। तो मतलब फेडरल लेवल पे इन्होंने वुमेन रिजर्वेशन 33% कर दिया है। द यूनियन कैबिनेट विच हेल्ड एन अनशेड्यूल्ड मीटिंग मंडे इवनिंग इज सेट टू बी फाइनलाइजिंग द पाथ ब्रेकिंग लेजिस्लेशन, सोर्सेज सेड। तो ये होने वाला है फाइनल। दे एडेड दैट इट इज अनलाइकली टू बी इम्प्लीमेंटेड इन द 2024 लोकसभा इलेक्शन। तो ये हो रहा है कि 2024 लोकसभा इलेक्शन में अभी इम्प्लीमेंट नहीं होगा। इट विल बी रोल्ड आउट ऑन आफ्टर द डिलिमिटेशन प्रोसेस इज ओवर, मोस्ट प्रोबेबली इन 2029, सोर्सेस सेड। द बिल विल बी बॉट इन द ऑनगोइंग सेशन बट देर आर मेनी ऑफ इट्स एंड बट्स। तो क्या इफ एंड बट्स, मतलब क्या प्रॉब्लम हो रहा है यहाँ पे। देखिए पता नहीं क्यों ये मेरा चल नहीं रहा है यहाँ पर, जस्ट अ सेकेंड मैं चेक करूँ। यहाँ तो चल रहा है, यहाँ नहीं चल रहा, होगा कोई इसका इशू है, तो देखते हैं अभी। इट विल टेक प्लेस ओनली आफ्टर डिलिमिटेशन। तो मतलब जो 2026 में डिलिमिटेशन होगा उसके बाद ही ये चीज़ फाइनलाइज होगी आपकी। तो ठीक है, देखते हैं। इंसिडेंटली द प्रॉमिस ऑफ वुमेन रिजर्वेशन बिल इन लेजिस्लेचर फिगर्ड इन द बीजेपीज मैनिफेस्टो इन बोथ 2014 एंड 2019। तो ये इन लोग के मैनिफेस्टो में था कि वुमेन रिजर्वेशन ये लोग करेंगे, वुमेन बिल ले आएंगे। बीजेपी के मैनिफेस्टो में था 2019 के भी और 2014 के भी, अभी तक नहीं हुआ। खैर देखिए अब ये हो रहा है फाइनलाइज, ये लोग कर रहे हैं। ऑल दो द गवर्नमेंट मेड नो ऑफिशियल अनाउंसमेंट, मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स एंड सीनियर बीजेपी लीडर प्रहलाद पटेल। तो अभी तक कोई ऐसा अनाउंसमेंट नहीं हुआ, इसमें यही बताई जा रही है, पर मोदी जी ने इसको कॉन्ग्रेचुलेट किया है ट्विटर पे। ओनली द मोदी गवर्नमेंट हैड द मोरल करेज टू फुलफिल द डिमांड फॉर वुमेन्स रिजर्वेशन। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं मोरल करेज किसके पास था ये करने का। तो ये ऐसा बोला जा रहा है इस आर्टिकल में कि ये मोदी गवर्नमेंट के पास ही था जो वुमेन रिजर्वेशन की डिमांड को पूरा कर सके। विच वॉज प्रूव्ड बाय द अप्रूवल ऑफ द कैबिनेट। कॉन्ग्रेचुलेशंस नरेंद्र मोदी जी और एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू मोदी गवर्नमेंट एंड मिनिस्टर सेठ पटेल इज द मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री एंड जल शक्ति। तो ये MoS आपके मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स है, कौन है आपके, पटेल जी है। अर्लियर अहेड ऑफ द फर्स्ट डे ऑफ स्पेशल सेशन, मोदी इंडिकेटेड दैट द सेशन इज सिग्निफिकेंट एज इट होल्ड्स ग्रेट इंपॉर्टेंस इन टर्म ऑफ हिस्टोरिक डिसीजन। लेटर देर वॉज फ्लरी ऑफ एक्टिविटी इन द टॉप लीडरशिप ऑफ द रूलिंग पार्टी। आफ्टर अ मीटिंग विथ होम मिनिस्टर अमित शाह इन इट्स ऑफिस इन पार्लियामेंट हाउस, लीडर ऑफ राज्यसभा पीयूष गोयल एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर प्रहलाद जोशी वेंट टू मीट प्राइम मिनिस्टर। लेटर द लीडर ऑल्सो मेट द बीजेपी प्रेसिडेंट JP नड्डा। देर आर अनदर मीटिंग ऑफ सीनियर मिनिस्टर्स एंड सम लीडर्स विथ नड्डा आफ्टर द कैबिनेट मीटिंग टू, सो सेड द लीडर, इंक्लूडिंग मोदी आर ऑल्सो लाइकली टू मीट द न्यू MPs ऑन ट्यूजडे। तो यही बात हो रही है कि टॉप लीडरशिप में बात चल रही है, लोग आपस में मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, इसमें यही है। एवर सिंस द गवर्नमेंट स्प्रैंग द सरप्राइज बाय अनाउंसिंग द स्पेशल सेशन जस्ट ओवर अ मंथ आफ्टर द मानसून सेशन हैज एंडेड विदाउट स्पेसिफाइंग इट्स एजेंडा, द बज ओवर द वुमेन्स बिल हैज इंटेंस। मतलब जब से ये आपका स्पेशल सेशन की बात हुई है, इन्होंने बोला है करेंगे किसके बाद, मानसून सेशन के बाद, तो उसी के बाद से लोगों को लग रहा है कि अच्छा मनी वुमेन बिल के ऊपर बात होनी है।
Sources had indicated that the major move by the government would push the opposition on the back foot and expose its divide within. While most parties India bloc are in favor of women reservation. The Samajwadi Party and the RJD want quota within the quota or caste and community based quota within 33% quota. The move come when the number of women candidates contesting Lok Sabha elections has slowly and steadily increased from just 45 in the second Lok Sabha election to 1957 to 726 in 2019. मतलब ये उन 1957 में बस 45 वुमेन यहाँ पे वो की थी इलेक्शन लड़ने के लिए खड़ी हुई थी और 2019 में आप देखिए 726 वुमेन खड़ी हुई हैं. देयर शेयर अमंग एमपीज हैज नॉट सीन सिमिलर इंक्रीज. पर ये तो इंक्रीज हो गया, कौन लोग यहाँ पे इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं, पर एमपी जो बन रहे हैं, जो मतलब सेलेक्ट हो रहे हैं, उनके कोई शेयर में नंबर उनका नहीं उठा है. इन फर्स्ट लोकसभा इलेक्शन हेल्ड इन 1951 ओनली 22 वुमेन एमपीज that is 4.41% were elected out of 489 seats. The figure 78 women MP for 2019 Lok Sabha election is highest ever, that is 14.36%. तो आप देखिए यहाँ पे अभी जो अभी हाईएस्ट डेटा आया है हमारे पास 2019 में 14.36% और हम उसको अब कहाँ पे रिजर्व कर रहे हैं 33% पे. तो देखते हैं इस आर्टिकल में हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या हो जाता है. सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट हो जाता है रिजर्वेशन. बिल देखिए वुमेन रिजर्वेशन बिल हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है. और दूसरा स्पेशल सेशन ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है. और आप थर्ड देखिए एक बहुत फैक्चुअल डेटा, जो फर्स्ट इलेक्शन हुआ था उसमें 4.41% वुमेन आपकी एमपी बनी थी, मतलब जितनी भी खड़ी हुई थी जो 2019. ये कब हुआ था आपका, ये हुआ था आपका 1951 में. और अब जो 2019 में हुआ है उसमें 10% बढ़ गया, 14.37. और इसमें जो वुमेन रिजर्वेशन बिल में ला रहे हैं इसमें होगा 33%. तो ये ठीक है, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए बहुत बड़ी बात है, इसमें कुछ ऐसा नहीं है. पर मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक है उन लोग को एम्पावर करने के लिए बिल लाया जा रहा है, बहुत अच्छी बात है. पर ऐसा नहीं है कि बिल लाने की ज़रूरत है, हम ट्रूली डेवलप तभी कहलाएंगे ना जब बिल के बिना वहाँ पे और 33 नहीं 50-50 हो, 50-50 हो बिल्कुल, और किसी बिल के बिना हो. हमें किसी को पुश करने की ज़रूरत ना पड़े वुमेन को उठाने के लिए, वुमेन अपने आप इतनी उठी रहे. तो मेरा बस एक छोटा सा पॉइंट ऑफ व्यू इतना था कि हम तभी ट्रूली डेवलप कहलाएंगे, अपने आप को कह सकेंगे. खैर इससे बहुत लोग डिफर करेंगे, वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, ये मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है. So thank you guys and please work hard to achieve all your dreams. Thank you.